Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start math 401 differential equation. इससे पहले कि मैंने एक्सपोसिट करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिल सके. नाउ वी स्टार्ट. नंबर 4. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. आर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई. अगर ये इक्वेशन इसके इक्वल हो, इट इज़ सेट टू बी होमोजीनियस. इसे हम होमोजीनियस कहेंगे इफ़ द फंक्शन एफ एक्स वाई इज़ होमोजीनियस. अगर जो हमारा एफ एक्स वाई वाला फंक्शन है वो होमोजीनियस हो, विच मीन्स यानी एफ टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एन एफ एक्स वाई फॉर द सम रियल नंबर एन फॉर एनी नंबर टी. यानी एन कोई भी नंबर हो सकता है. यानी हमने क्या करना है, हमारे पास जो भी फंक्शन है उसे हमने टी से दोनों को, एक्स को भी और वाई वाले फंक्शन को, वहाँ पे हमने टी से मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद अगर हम इस फंक्शन में से टी कॉमन ले लें तो वापस हमारे पास वही फंक्शन बन जाता है. तो ये हमारे पास होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शन. अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल. डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर होमोजीनियस. ये होमोजीनियस फंक्शन है तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे हमारे पास ये देखिए एक्स वाई, एक्स वाई की जगह हमने एक्स टी और वाई टी जब हमने यहाँ पे पुट किया तो ये हमारे पास आ गया टी स्क्वायर एक्स वाई. यहाँ भी हमने एक्स एक्स टी, यहाँ भी हमने वाई टी पुट किया तो यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन आ गया. यहाँ पे टी ये वाला टी स्क्वायर हमारे पास इस वाले टी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा. बाकी हमारे पास एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी वही वाला फंक्शन बचा है. तो ये हमारे पास है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब नेक्स्ट देखते हैं हम जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन को. ये देखें हमने यहाँ पर भी टी को अंदर मल्टीप्लाई किया, टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया टी स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया टी क्यूब. टी क्यूब यहाँ पर हो गया, यहाँ पे हमने टी से मल्टीप्लाई किया टी क्यूब, यहाँ पे एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी स्क्वायर तो ये भी टी क्यूब, दोनों से टी क्यूब कॉमन निकलिया. और जब हमने ये वाला टी क्यूब इस टी क्यूब से कैंसिल आउट हो तो हमारे पास बाकी यही फंक्शन रिमेनिंग बच जाएगा जो हमारे पास जी ऑफ एक्स का था. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये वाला फंक्शन हमारा होमोजीनियस है. दे फॉर द सेकेंड फंक्शन इज आल्सो होमोजीनियस. यानी जी ऑफ एक्स वाला और एफ ऑफ एक्स वाले दोनों फंक्शन हमारे जो हैं वो हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है. नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ द सॉल्यूशन. मेथड ऑफ द सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस फंक्शन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है. सॉल्व द होमोजीनियस फंक्शन, पहले हमारे पास फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई. वी यूज़ द सब्सिट्यूशन, हमें यहाँ पे सब्सिट्यूशन को यूज़ करना है. वी इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, यानी वाई हमारे पास, अगर हम यहाँ से वाई की वैल्यू निकालें तो वाई इज इक्वल टू, तो वाई हमारे पास इक्वल होगा वी ऑफ एक्स के. अब हमने इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू. अब हम ले लेंगे इसका डेरिवेटिव दोनों तरफ, डी ओवर डी एक्स से हमें से डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हमारे पास डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई ओवर डी ऑफ एक्स आ जाएगा. इधर भी हम विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स डेरिवेटिव ले लेते हैं इस फंक्शन का. अब देखिए यहाँ पे टू फंक्शन है तो यहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा वो बाय पार्ट, यानी पहले हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल है एक्स वो एज इट इज़ रहा, सेकंड वाले का हम डेरिवेटिव लेंगे डी वी बाय डी एक्स आ गया हमारे पास सेकंड जो है. फिर हमने प्लस तो यहाँ पे वी एज इट इज़ रहेगा और डेरिवेटिव लेंगे हम एक्स का. जब हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा. अब देखिए हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया है x का विद रिस्पेक्ट टू x तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगा तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे x डी वी बाय डी एक्स प्लस वी. अब हम इसकी जगह डी वाई बाई डी एक्स की जगह राइट कर सकते हैं एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी राइट कर सकते हैं हम इसकी जगह और ये हमारे पास 1 के 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास वी ही रहेगा. नेक्स्ट देखते हैं
ये दिस इज अ सेपरेबल इक्वेशन, ये अब हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन बन गई है। वी सॉल्व एंड गो बैक टू द ओल्ड वेरिएबल वाई, हम इसे सॉल्व करेंगे सेपरेबल मेथड से और लास्ट में हम इसे वाई की जगह पे एक्स भी अगेन पुट कर देंगे जो हमने स्टार्ट में पुटिंग की है। समरी देखें इसकी, आइडेंटिफाई द इक्वेशन एज होमोजीनियस, पहले हमने आइडेंटिफाई करनी है कि इक्वेशन हमारी होमोजीनियस है या नहीं है, फिर हमने यहाँ पे टी पुट करके चेक कर लेना है। सेकेंड हमने क्या करनी है, हमने करनी है सब्सिट्यूशन, वी इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, और थर्ड पे हमने क्या करना है, इसका हमने ले लेना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेके हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएगी, तो ये हमारे फंक्शन के इक्वल होते हैं एफ वन वी के। फिर हमने क्या करना है, सॉल्व द न्यू इक्वेशन, जो हमारे पास जब हम डेरिवेटिव ले लेंगे इसका, जो हमारे पास न्यू इक्वेशन आएगी जिसमें हमने सब्सिट्यूशन की है, तो उसे हम सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे वी को, गो बैक टू द ओल्ड फंक्शन वाई, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, ओल्ड फंक्शन वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स। अगर हमारे पास लास्ट में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन हो तो हम उसकी वैल्यूज उसमें पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जांपल, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमारे पास एग्जाम्पल टू, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे हमारे पास माइनस टू एक्स प्लस वाई टू एक्स प्लस वाई। अब हम x और y की जगह t पुट करेंगे, x ऑफ t, y ऑफ t, दोनों में से हम अगर t, यहाँ पे हम t t पुट करेंगे, दोनों में से हम t कॉमन लेंगे, t t से कैंसिल आउट हो जाएगा और वही इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है। अब पहले कंडीशन तो हमारी पूरी हो गई कि होमोजीनियस फंक्शन है, अब सेकंड क्या करनी है, हमने ये वैल्यूज सब्सिट्यूशन करनी है, v इज इक्वल टू वाई ओवर x। अब हमने इसकी जगह पे वैल्यू पुट करनी है, y हमारे पास जो y है वो इक्वल है v ऑफ x के, y इज इक्वल टू v ऑफ x, और हमने इसका डेरिवेटिव लिया था तो वो हमारे पास इक्वल आया था x v डैश, v डैश यानी डी वी बाई डी एक्स को हम v डैश भी राइट कर सकते हैं, प्लस v के, और यहाँ पे हम x का लिया था तो वो 1 के इक्वल था, तो हमने ये वाली इक्वेशन राइट की। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यानी dy वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम ये राइट करेंगे, dy वाई बाई डी एक्स की जगह हमने ये वाली इक्वेशन यहाँ पे राइट कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास था dy वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह हमने ये फंक्शन पुट किया, 2x एज इट इज़ रहा, y की जगह हमने क्या पुट करना है, वी एक्स। अब देखिए यहाँ पे x और v पुट कर दिया, फिर यहाँ पे y की जगह अगेन x और v हमने कर देना है पुट। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनमें से x को कॉमन ले लेना है, x जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से भी x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी दोनों x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आए माइनस टू प्लस फाइव की टू प्लस यहाँ पे आ जाएगा v। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने क्या किया, हम इस वाले v को इस साइड पर ले आए हैं, माइनस टू प्लस फाइव वी माइनस वी टू प्लस वी, तो ये हमारे पास ये आ गया, और ये हमारे पास x इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड पे आके हमारे पास डिवाइड में आ गया ये वाला x, तो फिर ये वाला x हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब देखिए ये x वाली इक्वेशन भी हो गई और v वाली भी हो गई, अब हमने v वाली को सेपरेट कर लेना है और x वाली को सेपरेट करना है और बाय सेपरेबल मेथड इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इस v को यहाँ से आप एलसीएम ले 2 प्लस वी और इस v को यहाँ से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस टू वी और माइनस वी स्केयर, और इसको जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो हमारे पास इक्वल होगी माइनस वी स्केयर माइनस टू प्लस थ्री वी माइनस वी स्केयर डिवाइडेड बाय टू प्लस वी के, ये इक्वल आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, एक्स वाली को डी ऑफ एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाली वैल्यू को इधर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास उलट हो जाएगी, टू प्लस वी हो जाएगा हमारे पास, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी ये हमारे पास नीचे आ जाएगी ओवर माइनस टू प्लस थ्री वी माइनस वी स्केयर की, ये हमारे पास इस तरह से डी वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डी एक्स इधर आ जाएगा। फिर हमने इसे बाय सेपरेबल मेथड सॉल्व कर लेना है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी
बाय सेपरेबल मेथड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आएगी माइनस फोर नेचुरल लॉग बी माइनस टू प्लस थ्री नेचुरल लॉग बी माइनस वन। और जो इधर एक्स था ये इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी एक कांस्टेंट आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, और हमने वाई की जगह पे वी ऑफ एक्स को पुट करना है। अब देखें नेक्स्ट, हम वाई की जगह पे वी ऑफ एक्स को पुट करें, वाई की जगह पे हमने वी ऑफ एक्स को लिखा, यहाँ पे हमारे पास टू था, ये एक्स के साथ इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्स आ गया। इस तरह से हमने यहाँ पे भी पुटिंग कर ली है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यानी जो नेचुरल लॉग का रूल है, जो स्टार्ट पावर स्टार्ट में होती है वो हमारे पास पावर में चली जाती है। अब देखिए यहाँ माइनस फोर था ये हमने पावर में राइट कर लिया, यहाँ थ्री था ये हमने यहाँ पे पावर में राइट कर लिया, ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी वन ये इसके इक्वल आ गया। अब देखिए नेचुरल लॉग में जब टू चीज़ें एक दूसरे से मल्टीप्लाई ऐड हो रही होती हैं तो हम उसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे देखें ये माइनस फोर को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब नेचुरल लॉग में दो चीज़ें ऐड हो रही हैं तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो नेक्स्ट देखें, हमने ये हमारे पास एक्स की माइनस फोर है, इधर भी हम एक्स से डिवाइड कर देते हैं और इस साइड पे भी डॉट x से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी x की, ये देखें x की थ्री और x वन x फोर, ये भी x फोर, यानी x फोर माइनस x फोर, तो ये हमारे पास हो जाएगा x की ज़ीरो। जब x की हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, किसी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो हो तो वो हमारे पास इक्वल होती है वन के, x ज़ीरो इक्वल होगा हमारे पास वन के, ये एक्स हो जाएगा कैंसिल आउट। बाकी हमारे पास ये नेचुरल लॉग है, दोनों तरफ हमने क्या कर लेना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेना है, नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो फंक्शन बचेगा ये हमारे पास वाई माइनस टू एक्स की फोर और वाई माइनस एक्स का क्यूब बचेगा, और एक्स तो हमारा पहले ही कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास आ गया वाई माइनस टू एक्स की माइनस फोर वाई माइनस एक्स की थ्री इज इक्वल टू सी। इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया, वाई माइनस एक्स का क्यूब, यानी ये वाली जो हमारे पास वैल्यू थी ये माइनस की पावर थी, ये उस साइड पे जाके हमारे पास पॉजिटिव पावर में हो जाएगी, वन माइनस टू एक्स की पावर। नाउ लेटर इज़ फिनिश। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।